मोतिहारी के पारसौनी के शीतलपुर शॉर्ट सर्किट के कारण दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस घटना में पिता और पुत्री भी झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पता नहीं लगा है, लगता है कि आकस्मिक ही आग लगा है जी। और मुझको लगता है कि 15 परिवार के आसपास, 15 से 20 परिवार के आसपास का घर जल गया है। काफ़ी संपत्ति के नुकसान हो गई है। कई लोग जो इसमें छोटे मोटे कारोबारी थे, जैसे टेंट वाले थे या और कोई छोटा मोटा काम करते थे, उनका भी घर और उनका संपत्ति जल के स्वाहा हो गया है। इसमें हमको लगता है कि 2-3 आदमी भी इंजियोर्ड हो गए हैं। एक तो मेजर इंजियोर्ड हो गया है, विजय शाह की बच्ची है जो इलाज के लिए अभी रेफर हुई है, बाहर गई है, और बाकी भी कई लोग। मुजफ्फरपुर जिले में आगलगी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जिले के अहियापुर और बांद्रा प्रखंड का है, जहां आग लगने के कारण कई मवेशियों की मौत हो गई, साथ ही लगभग 1.5 दर्जन घर जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना सर, यहाँ सूचना या फायर स्टेशन के चंदन बकरी में आग लगा हुआ है। 12:25 पे हम लोग को सूचना मिला, वहाँ से यहाँ पर आए हैं तो आग बहुत भयंकर लगी हुई थी। आए तो हम लोग 2 टीम में गाड़ी लेकर आए हैं यहाँ पर, 2 निणी, एक आगे से एक पीछे से गाड़ी लगी, दोनों हम लोग मशक्कत से आग बुताए यहाँ पर। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित शोभा नगर पंचायत में आग लगने से लगभग 20 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि चूल्हा पर खाना बनाने के क्रम में निकली चिंगारी के कारण आग लगी। घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने की बात कही गई, साथ ही घटना में हुई क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। Oh.